गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे पाठ तीन, स्वतंत्रता प्राप्ति का सूर्योदय। भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन की दासता से मुक्त हुआ। 14-15 अगस्त की ऐतिहासिक रात्रि को घटनाचक्र कितनी तेजी से घूमा, इसका तथ्यात्मक वर्णन इस पाठ में है। स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम घड़ी के सुखद परिणाम को जानना विद्यार्थियों के लिए उपयोगी एवं आवश्यक है। इसी दिन भारत के भाग्य का सूर्योदय हुआ। यह वर्णन अत्यंत रोमांचक एवं उत्साहवर्धक है। 14 अगस्त 1947 की रात्रि, दिन विदाई ले रहा था, रात का अंधेरा बढ़ चला था, पर दिल्ली वालों की आंखों में आज नींद नहीं थी। नई दिल्ली सजी सवरी खड़ी थी, क्योंकि आज उसे नए राष्ट्र स्वतंत्र भारत की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त होने वाला था। वायसराय भवन रोशनी में से जगमगा रहा था। विजय चौक पर लाखों लोगों की भीड़ थी। महात्मा गांधी की जय के नारे चारों ओर गूंज रहे थे। रात्रि के ठीक 11 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में आए। श्रीमती सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम गीत गाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और महात्मा गांधी के प्रति आभार प्रकट किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी खनकती आवाज में ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा, आधी रात के 12 बजे हैं। इस शुभ घड़ी में जब संसार सो रहा है, भारत जागकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। एक क्षण इतिहास में ऐसा आता है जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं। इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे बढ़कर मानवता की सेवा का प्रण करें। हमें भारत के ऐसे शानदार भविष्य का निर्माण करना है जहां पर भारत के सभी बच्चे रह सकें। रात के 12 बजे का घंटा बजा। एक सदस्य ने शंखनाद किया। आवाज आई, 15 अगस्त शुरू हो गया है। जय घोषों और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसी आधी रात को भारत की स्वतंत्रता का सूर्योदय हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा और सभी सदस्यों ने खड़े होकर उसे दोहराया। बाद में घोषणा की गई कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए हैं। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू रात को 12:15 वायसराय भवन गए और लॉर्ड माउंटबेटन को केंद्रीय विधानसभा का निर्णय बताया। वायसराय ने कहा, मुझे इस सम्मान पर गर्व है। 15 अगस्त 1947 आज दिल्ली महानगरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हर व्यक्ति के चेहरे पर उल्लास था। सभी बाजारों में चहल पहल थी, मगर कहीं कोई अनुशासनहीनता नहीं थी। प्रातः 8:35 चीफ जस्टिस कानिया ने लॉर्ड माउंटबेटन को आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल की शपथ दिलाई। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने बेटन तथा उनकी पत्नी सरकारी सजी धजी एक खुली बग्गी में बैठकर संसद भवन तक गए। वहां उन्होंने 10:10 पर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में सभा को संबोधित किया। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के लिए भारतीय नेताओं के प्रति आभार प्रकट किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें धन्यवाद दिया। 11 कार्यवाही समाप्त हुई। उस समय विजय चौक पर अपार भीड़ थी। शाम 6 तक लगभग 5 लाख लोग इंडिया गेट के निकट मैदान में जमा हो गए थे। तभी लॉर्ड माउंटबेटन दंपति की राजकीय सवारी इंडिया गेट पर पहुंची, पर उसके लिए बग्गी से नीचे उतर पाना संभव नहीं था। उन्होंने वहीं से चिल्लाकर नेहरू जी से कहा, बस झंडा फहरा दिया जाए। साय 6:15 झंडा फहराया गया। माउंटबेटन ने अपनी बग्घी में ही खड़े होकर नए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। एक गीत गाया गया और 31 तोपों की सलामी दी गई। वर्षा की हल्की फुहारें पड़ने लगी थी और आकाश में इंद्रधनुष की छटा बिखर गई। इसे शुभ संकेत माना गया। 16 अगस्त 1947 की सुबह लोग लाल किले की ओर बढ़े चले जा रहे थे। लाल किले से फतेहपुरी तक, जामा मस्जिद से लोथियन पुल तक मानव सागर लहरा रहा था।
लाल किले की प्राचीर पर विदेशी राजदूत, मंत्रीगण तथा विशिष्ट नागरिक बैठे थे। जब नेहरू जी आए तो भीड़ ने करतल ध्वनि की। प्रातः 8:20 पर पंडित नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया। तोपों की सलामी हुई। इसके बाद नेहरू जी ने भाषण दिया, मेरे देशवासियों, आज हम आजाद हैं, हम पुराने बोझ और बंधन से मुक्त हो गए हैं। बहुत वर्ष पहले हमने जो प्रण किया था वह पूरा हुआ। अब हम स्वतंत्र हैं और दुनिया के आगे गर्व से अपना सिर उठा सकते हैं। हमें भारत की आजादी की शानदार इमारत खड़ी करनी है। हमें भारत माता का योग्य पुत्र बनना होगा। दुनिया की आंखें हमारी तरफ लगी हैं। आइए हम इस महान कार्य को करने का संकल्प लें। इस प्रकार 11 मई 1857 से आजादी के लिए शुरू हुई संघर्ष की कहानी पूरी हुई। जिस लाल किले पर अंग्रेजों ने यूनियन जैक लगाकर तोपों का मुंह चांदनी चौक की तरफ करवा दिया था, वहीं अब स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से लहरा रहा है। झंडा ऊंचा रहे हमारा।